हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कपड़ा व्यापारियों रेडीमेड गारमेंट्स व्यापारियों के हित में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल व विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 इंदौर के प्रभारी श्री सुरजीत सिंह चड्ढा के मार्गदर्शन में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं वार्ड 69 के कांग्रेस नेता घनश्याम जोशी की अगुवाई में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मंडी श्री महाराजा तुकोजी राव क्लॉथ मार्केट में केंद्र सरकार द्वारा आगामी 1 जनवरी से कपड़े एवं रेडीमेड गारमेंट्स पर GST की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने के विरोध में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कांग्रेस ने कपड़े पर GST लगाने को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया है। कांग्रेस नेता घनश्याम जोशी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भारतवर्ष की आजादी यानी 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद से वर्ष 2014 तक कपड़ा व्यापार पर किसी भी प्रकार का कोई कर टैक्स नहीं लगता था। कपड़े पर GST दर बढ़ाने से 22 करोड़ व्यापारियों के साथ दुकान पर काम करने वाले मुनीम, गुमास्ता, अकाउंटेंट, कमीशन एजेंट की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। जब कपड़ा व्यापारी दुकान या शोरूम बंद कर देगा तो ये दुकानों पर शोरूमों पर काम करने वाले मुनीम, गुमास्ता, अकाउंटेंट, कमीशन एजेंट बेरोजगार हो जाएंगे। इसका असर इनके परिवार पर भी आएगा। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने केवल 2000 कपड़ा मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के स्वार्थ भरे निर्णय से पूरे देश के 22 करोड़ कपड़ा व्यापारियों को संकट में डाल दिया है और साथ ही साथ पूरे देश के 135 करोड़ जनता पर इस 12% GST यानी गब्बर सिंह टैक्स का अतिरिक्त बोझ बढ़ा दिया है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी इस 12% GST यानी गब्बर सिंह टैक्स का विरोध है और कांग्रेस पार्टी कपड़ा व्यापारियों के सम्मान में उनके साथ खड़ी है और केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार व केंद्रीय वित्त मंत्री व GST काउंसिल द्वारा कपड़ा व्यवसाय पर 12% GST वापस लेने व 22 करोड़ कपड़ा व्यापारियों को राहत देवे जिससे कपड़ा व्यापारी पुनः अपना जीवन सुखमय शांतिपूर्ण तरीके से यापन कर सके। बुधवार को कांग्रेस द्वारा MT क्लॉथ मार्केट में GST दर वृद्धि के विरोध में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने फॉर्म भरकर हस्ताक्षर किए और सरकार से GST की बढ़ी हुई दर वापस लेने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रभारी सुरजीत सिंह चड्ढा, शहर कांग्रेस प्रवक्ता एवं वार्ड 69 के कांग्रेस नेता घनश्याम जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष संजय बाकलीवाल, वार्ड अध्यक्ष सुनील सिंह सोलंकी, MT क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हंसराज जैन, मंत्री कैलाश मुंगड़, सुभाष गंगवाल, राकेश काकाणी सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित थे। व्यापारियों ने कहा कि GST दर बढ़ाने के विरोध में 30% गुरुवार को देश भर के कपड़ा व्यापारी अपना व्यापार बंद रखकर विरोध दर्ज कराएंगे। विशेषकर मैं गुणवत्ता बंधुओं को भी निवेदन करूंगा कि यदि हमारा धंधा प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से आप भी प्रभावित होंगे। आप भी आकर यहाँ पर साइन करें। इतने बड़े बाजार में लाइन लग जाना चाहिए। सभी व्यापारियों से निवेदन है कि यदि आज हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किया तो इसके परिणाम भी हमको ही भुगतना पड़ेंगे। आप विरोध प्रदर्शन करें ताकि सरकार सुन सके। धन्यवाद। इस विरोध में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यापारियों के समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जो हम शादी में नहीं आए हैं। सभी व्यापारी इसमें हमारे हमारी आवाज व्यापारी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उनको कृपया आप लोग इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें या हम सब के लिए पेट की लड़ाई है। उसमें अधिक से अधिक सहयोग हम सब व्यापारियों को करना है। आप लोगों का अनुरोध है कृपया अति शीघ्र चौक में आकर के गोल्डन चौक में इस अधिकार का अभियान में सफल बनाना। आप अधिक से अधिक लोग व्यापारी लोग कभी यहाँ पर आए और अपना विरोध दर्ज करें। GST के विरोध में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। क्षेत्र क्रमांक 4 से श्रीमान सुरजीत सिंह जी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सबके अनुरोध है अधिक से अधिक लोग बढ़ाएं और सभी लोग विरोध करें।
ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये व्यापारिक क्षेत्र में चलाया जा रहा है कपड़ा मार्केट, और ये जो क्षेत्र है यहाँ के व्यापारियों को शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, परंतु आज कांग्रेस उनके समर्थन में आई, क्या कहना चाहेंगे? भैया व्यापारियों की कोई पार्टी नहीं होती है, व्यापारी सभी पार्टी का होता है, सभी दलों का होता है। आज ये सपना महात्मा गांधी का था कि रोटी कपड़ा और मकान सभी आम जन को मिले, परंतु भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 12% GST कर इस देश में एक ऐसा संदेश दिया है कि कपड़ा व्यापार बंद हो जाए। केवल 2000 उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये एक निर्णय लिया है कि 5% GST से बढ़ाकर 12% GST कर दिए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से। आज ये हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के वार्ड नंबर 69 में, जो कि एक पूरा व्यापारिक क्षेत्र है, सारे व्यापार इसी क्षेत्र में वार्ड नंबर 69 में होते हैं, तो इस व्यापार के अंदर हमने आज ये आंदोलन हस्ताक्षर अभियान व्यापारियों के समर्थन में और GST के खिलाफ किया है, जिसमें सभी व्यापारी मुनीम गुमास्ता कमीशन एजेंट सारे बंधु बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये जब पत्र भरवाया जा रहा है, इसे किसे सौंपा जाएगा? ये प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और GST काउंसिल को ये पत्र सौंपे जाएंगे और उनसे मांग की जाएगी कि ये काला कानून 12% जो GST लगाई गई है उसको वापस लें, क्योंकि 22 करोड़ व्यापारी इस व्यापार से जुड़े हैं। अगर कृषि के बाद अगर कोई सबसे बड़ा व्यापार है तो ये व्यापार है कपड़े का व्यापार। केवल 2000 उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए ये काम किया जा रहा है, जबकि आज़ादी के बाद से 2017 तक कपड़े पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। 2017 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी उसके बाद में उन्होंने 5% GST की, अगर उसी समय 5% GST का विरोध करके वापस करवा दी गई होती तो यह आज 12% GST नहीं होती। पता है आज ये जो अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा व्यापारियों के समर्थन में GST को लेकर, क्या किस तरह का समर्थन मिलता हो दिखाई दे रहा है इस अभियान? देखिए आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विधानसभा 4 के अंदर हमारा सारे वो बर्तन बाजार ले लीजिए, फ्रूट व्यापारी ले लीजिए, कपड़ा मंडी ले लीजिए, सराफा ले लीजिए, ये सारी विधानसभा 4 में ये सारा जो है व्यापार होता है। और आज हमारे शहर कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे साथी आदरणीय घनश्याम जोशी जी और हम लोगों ने सुबह से आज हस्ताक्षर अभियान चलाया, व्यापक समर्थन है। आज यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय हंसराज जैन जी, एसोसिएशन के मंत्री कैलाश मुंगल जी अभी अभी संबोधित करके गए और आपको वाइट भी देके गए, और उन्होंने व्यक्तिगत हमको समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। और ये विरोध अगर 5% से 12% किया है, ये हिटलरशाही है, सरकार की तानाशाही है। आज देश का 135 करोड़ व्यक्ति कपड़े पहनता है, 135 करोड़ व्यक्ति ही आज इससे प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हिटलरशाही देश के अंदर महंगाई को बढ़ाने में लगी हुई है। पहले भी किसान आंदोलन में किसानों ने एक साल तक आंदोलन किया और तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीनों बिल वापस लिए। आज व्यापारी सड़कों पर है, कभी लाइट बंद कर रहे हैं, कभी घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, और कल ये पूरा देश का कपड़ा व्यापार बंद करके एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपना काम कर रही है। कहना चाहेंगे आज ये जो अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में अभियान चला रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? GST जो 5% से 12% किया गया है, इससे देश के 135 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये मनुष्य की आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके बिना किसी का काम नहीं चलता है। यदि कपड़े पर महंगाई बढ़ेगी तो 135 करोड़ लोग ही महंगाई की मार से त्रस्त होंगे। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, कपड़े पे 12% कर देने से कपड़ा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, साथ ही रेडीमेड भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आम व्यक्ति को इससे बहुत तकलीफ होगी। साथ ही जहाँ तक कपड़े के व्यापारी का सवाल है, व्यापारी पहले ही कोरोना काल में 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है, थोड़ा बहुत व्यापार अभी चला था 1-2 महीने में कि अचानक सरकार ने 12% टैक्स करने की घोषणा कर दी, उसके कारण व्यापार वापस बैठ चुका है। पहले जब 5% टैक्स लगा तब छोटे मोटे कई व्यापारी इस व्यापार से बाहर हो गए, यदि 12% व्यापार टैक्स लगेगा तो निश्चित रूप से और कई व्यापारी इस व्यापार से बाहर हो जाएंगे, जबकि इस व्यापार से पूरे देश में करीब 22 करोड़ लोग से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि कृषि के बाद सबसे बड़ा
रोजगार देने वाला उद्योग कोई है तो वो कपड़ा टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में और रेडीमेड में करीब करीब 22 से 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी और हमारा व्यापार भी ख़त्म होगा। निश्चित सरकार को सोचना चाहिए। व्यापारी हमेशा से शांतिपूर्वक अपना व्यापार करता आया है, वो किसी प्रकार की परेशानी बार बार नहीं झेल सकता है। GST के कारण पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी है। निश्चित रूप से 12% के कारण कई व्यापारी छोटे मोटे बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, इसमें गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसे तुरंत 5% वापस यथावत रखने की कष्ट करें। यही हमारा सब व्यापारियों का निवेदन है। बताएं, आप कपड़ा मार्केट के मंत्री हैं और कपड़ा मार्केट में आज जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है कि GST की दर कम की जाए, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? किस तरह का समर्थन व्यापारियों का है? सबसे प्रथम तो मैं आपको बता दूं, व्यापारियों की कोई पार्टी नहीं होती है। व्यापारी अपना व्यापार करता है, जो भी व्यापारियों को सहयोग करेगा, हर तरह के व्यापारी शहर के अंदर, कोई किस पार्टी से सपोर्ट रखता है, कोई किसी पार्टी से सपोर्ट रखता है। जो भी इस कपड़े की लड़ाई में, GST की लड़ाई में हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस आवाज़ को उठावेगा, उसमें हम सभी व्यापारी उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। यही मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा इस प्रकार का जो ये कानून लागू किया गया है 5 से 12% GST का, कोरोना काल के बाद से व्यापारी बहुत अधिक परेशान है और ये व्यापारी यह लोड को झेल नहीं सकेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, व्यापारी ऐसे आंदोलनों में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। कल 30 तारीख को क्या कोई विशेष कदम? कल 30 तारीख को पूरे भारतवर्ष के व्यापारी एसोसिएशन द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश के GST संघर्ष समिति भी सम्मिलित है, सारे कपड़े व्यापारी, कपड़े से संबंधित रखने वाले रेडीमेड कपड़ा जो भी व्यापारी हैं, वो सब पूरा भारत एक दिन के लिए बंद रख के कल उसके आगे का निर्णय जो भी समिति लेगी, हमारे सूरत के व्यापारी, मुंबई के व्यापारी, अहमदाबाद के व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी, कानपुर के व्यापारी और पूरा साउथ इसमें कल सहयोग कर रहा है। आगे जो भी हमारी रणनीति होगी वो आगे रहेगी। कल 30 तारीख को एक दिन के बंद का आह्वान अभी हमारा सबका है, वो हम व्यापारी पूर्ण रूप से बंद रखेंगे।